लोग शांति बनाए रखें। आज आपके स्कूल प्रांगण में, भैया आप बैठ जाइए, आपके स्कूल प्रांगण में विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है। आज सबसे पहले हम देश और दुनिया के उन महान वैज्ञानिकों को नमन करते हैं जो वो तो भले नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा जो आविष्कार और खोज किया गया है, मानव जीवन जो नित रोज उनके द्वारा आविष्कार किए गए कार्य का उपभोग करता है, उसका उपयोग करता है, वो भले नहीं है, लेकिन उन महान वैज्ञानिकों की याद हमेशा आती रहती है। ऐसे में उन महान वैज्ञानिकों को आज हम नमन करते हैं, साथ ही उन सभी महान वैज्ञानिकों को जो आज इस समय आपके जीवन को, मानव जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, सुविधा युक्त बनाने के लिए जो आविष्कार और खोज में लगे हुए हैं, ऐसे महान वैज्ञानिकों को आज हम इस स्कूल के प्रांगण से उन्हें आदर और सम्मान प्रेषित करते हैं। आज हम यहाँ बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आए जो अभिभावकगण हैं, हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आपके कार्यक्रम में आपके प्रोजेक्ट को का इवैल्यूएशन करने के लिए जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, बीआरपी इंटर कॉलेज के सीनियर साइंस के टीचर माननीय श्री अखिलेश श्रीवास्तव जी, जो हमारे बचपन से गार्जियन रहे हैं, जिन्हें यहाँ क्षेत्र के लोग दीपक दादा के नाम से जानते हैं, जिनका गार्जियनशिप हम सबको बराबर मिलता रहा है, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही स्कूल के जितने टीचर हैं, स्टाफ के जितने मेंबर हैं, सबने मिलकर के विज्ञान मेला को सफल बनाने का काम किया है, आज हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही जिन बच्चों ने आज अपना साइंस का प्रोजेक्ट बनाया है, उन बच्चों को हम विशेष रूप से बधाई देते हैं कि विज्ञान में जो आपकी अभिरुचि है, एक दिन आपको बहुत ऊंचे सोपान पर लेकर के जाएगी। विज्ञान में जो आपने अभिरुचि दिखाई है, इसके लिए मैं कामना करता हूं कि इसमें से जितने बच्चों ने विज्ञान का प्रोजेक्ट बनाया है, विज्ञान में अभिरुचि दिखाई है, मैं कामना करता हूं कि इसमें ढेर सारे बच्चे वैज्ञानिक बनकर के, साइंटिस्ट बनकर के अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार का नाम रोशन करें। बच्चों, विज्ञान ही एक ऐसा रास्ता है जहां इंसानियत को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया है। विज्ञान ही एक ऐसा चीज है जहां जाति, धर्म, मजहब की दीवार ध्वस्त हो जाती है। कोई वैज्ञानिक किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसके द्वारा किया गया आविष्कार सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग, किसी भी देश के लोग सबका उपयोग एक समान करते हैं। जैसे टीवी जिसने बनाई, जिसने घड़ी बनाई, जिसने मोबाइल बनाया, जिसने यह माइक बनाया, जिसने सारा वैज्ञानिक उपकरण बनाया, वो किसी भी जाति के रहे हो, किसी भी धर्म के लोग रहे हो, उनकी बनाई हुई उपकरण को हम सभी जाति धर्म के लोग मिलकर के उसका उपयोग करते हैं। इसलिए विज्ञान के रास्ते पर आप लोग चलिए। जहां कहीं लोग जाति, धर्म, मजहब के झगड़े में अगर आपको वो रखना चाहते हैं, तो उस पचड़े से दूर रहिए और विज्ञान के रास्ते पर चलिए। जब आप विज्ञान के रास्ते पर चलेंगे, तो वहां आपके जाति धर्म के नाम पर न कोई नीचा समझेगा, न कोई ऊंचा समझेगा। इसलिए आज हम सब लोग आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। और ये आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, वो किसी न किसी धर्म के ही है। कोई ईसाई रहा है, कोई हिंदू रहा है, कोई मुस्लिम रहा है, कोई जैन रहा है, लेकिन जिसने भी जो आविष्कार किया है, पूरे देश विदेश की मानवता ने मिलकर के उस वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया है। आज यहाँ जिन बच्चों ने, उन बच्चों को भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन बच्चों ने यहाँ
अंधकार और अशिक्षा रूपी पुतले का निर्माण करके उन लोगों के मन में, बच्चों के मन में यह कि सर हम लोग अशिक्षा और अंधकार रूपी पुतला बनाएंगे और उसका दहन करेंगे, यानी अपने स्कूल के प्रांगण से और अपने मन से अंधकार, अशिक्षा, ईर्ष्या, द्वेष को जड़ से उसको जला करके खाक कर देंगे। और यही कारण है कि पिछले वर्ष भी जब विज्ञान दिवस का, विज्ञान मेले का आयोजन किया गया था तो पिछले वर्ष भी बच्चों ने पुतले का दहन किया था, यानी पिछले वर्ष ने जब बच्चों ने पुतले का दहन किया तो उस समय नारा लगाया था, विज्ञान को अपनाओ, अशिक्षा को दूर भगाओ, विज्ञान को अपनाओ, अंधकार को दूर भगाओ, विज्ञान को अपनाओ, ईर्ष्या और द्वेष को दूर भगाओ, विज्ञान जिंदाबाद, पाखंड और अंधविश्वास मुर्दाबाद। इसी नारे के साथ आज हम अपने अतिथियों को साथ में लेकर चल करके अशिक्षा, अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास का पुतला हम लोग जलाएंगे और विज्ञान का जिंदाबाद करेंगे। साथियों, आप सभी लोग जब पुतले का दहन होगा तो विज्ञान जिंदाबाद और विज्ञान को अपनाओ का नारा दे करके अंधकार और अशिक्षा को अपने जीवन में सदैव के लिए दूर भगाने का प्रण लेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ पुतले का दहन करने के साथ ही कार्यक्रम का समापन किया जाता है। धन्यवाद।